नमस्कार दोस्तों, रबर कल्टिवेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों ये 30 प्रोग्राम चल रहा है, जो टेपर्स इंटेंसिव स्किल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो ये 8 दिन का प्रोग्राम होता है। तो लास्ट डे में एक एग्ज़ाम होता है। तो वो एग्ज़ाम में अगर आप अच्छा से परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो आपको एक डिप्लोमा दिया जाता है रबर बोर्ड की तरफ से। तो इसके बारे में मैं पहले भी एक बार बोला था। तो दोस्तों एक चीज़ देखिएगा कि जो आप मार्किंग करते हैं, तो मार्किंग करने से फिलहाल ये जो आदमी ने अभी जो बैठ के किया है, तो ऐसा बैठना नहीं चाहिए। बैठ के करने से आपका जो कमर में दर्द होगा, उठक बैठक करेंगे तो आप कितना पैर आप मार्किंग कर पाएंगे, ज़्यादा मार्किंग नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल ये लोग स्टूडेंट है मेरा, ये फिलहाल इन लोग ये सीख रहा है। तो मैं खुद की तरफ से मेरा खुद का वीडियो बनाने के लिए मुझे मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं इन लोग का ही वीडियो बनाया हूँ। ध्यान रहे दोस्तों, मार्किंग करने का टाइम है जो लेफ्ट लेग को ये स्केल में देना चाहिए नीचे में, तब ये स्केल जो नहीं हिलता है दोस्तों। तो हाफ पर्सन जो है पैर का नीचे से देना है, जो ये जो काट लाइन को जो फॉर्म में जो लाइन दिया जाता है, आधा ऊपर से आधा नीचे से करना चाहिए। और ये दोस्तों देखिए इन लोग प्रोसेसिंग कर रहा है फिलहाल। इन लोग RSS 4 तक इन लोग ये अभी सीट बना पा रहा है दोस्तों। तो RSS 4 तक इन लोग अभी बना रहा है। तो इन लोग बहुत अच्छा से ये प्रोसेसिंग कर रहा है, लेकिन इसमें बहुत लोग ये गलती करता है कि जो फॉर्मिक एसिड का जो डाइल्यूशन जो होता है, फॉर्मिक एसिड जो पानी के साथ जो डाइल्यूशन होता है, वो कैलकुलेशन थोड़ा रॉन्ग करता है दोस्तों। नॉर्मली उसमें गलतियाँ करता है। तो फॉर्मिक एसिड को हमेशा दोस्तों याद रखिएगा 50 ml 5 लीटर्स पानी के साथ मिलाना है दोस्तों। तो प्रोसेसिंग का बहुत एक बड़ा वीडियो में पहले बना के रखा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, 100 ml को 5 लीटर पानी में डालता है। तो ऐसा करने से जो है जो एसिड डाइल्यूटेड जो एसिड जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपको एसिड बढ़ानी हो तो आपका जो इंडिविजुअली जो सीट होता है, सेपरेट सेपरेट जो आप सीट में डालता है, तो वहाँ पर ये बढ़ाना चाहिए दोस्तों। तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट में सीजन ठंडा है, तो इसीलिए आपको ये जनवरी फरवरी में एसिड थोड़ा ज़्यादा चाहिए दोस्तों।